ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सेकंड ईयर वालों के लिए सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में हमारा ये पार्ट 21 है। इसके पहले के पार्ट प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 51, जो कह रहा है व्हाट इज द रिक्वायर्ड करेंट टू ग्लो द एलईडी इन ईच सेगमेंट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसमें हमारी एलईडीज लगी होती है, कुछ इस तरह से हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में एलईडीज लगी होती हैं और इन एलईडीज को ऑपरेट हम करते हैं ड्राइवर द्वारा। किसके द्वारा? ड्राइवर द्वारा। और ये ड्राइवर क्या करता था? ये इनको क्या प्रोवाइड करवाता था? इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाता था? करंट प्रोवाइड करवाता था। अब हमने कहा था एक सेगमेंट को जलने में 20 मिली एम लग रहे थे। ठीक, 20 मिली एम हमारे एक सेगमेंट को, यानी कि एक एलईडी इसमें परफॉर्म कर रही थी 20 मिली एम। तो ये 20 मिली एम कौन दे रहा था? ड्राइवर दे रहा था। ठीक है, ये ड्राइवर हमारा 20 मिली एम दिया एक सेगमेंट को। तो उसी तरह हमारा कितने एलईडी है? ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 एलईडी है। तो 7 को कितना देगा? तो हमारा 140 मिली एम देगा। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस के प्रत्येक सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट का पूछ रहा है, एलईडी को चमकाने के लिए आवश्यक करंट कितनी होगी। तो हमारी आवश्यक करंट कितनी होगी? 20 मिली एम। कितनी होगी? 20 मिली एम होगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब उसके साथ ही साथ हम कुछ और भी वोल्टेज देख लेते हैं कि हर कलर का अलग अलग वोल्टेज होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसमें हमने 2 चार्ट लाए हैं। अब ये कंफ्यूजन ना हो कि इसका वोल्टेज कुछ और लिखा, इसका वोल्टेज कुछ और लिखा, कौन सा वाला याद करें। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हर जो चार्ट दिए रहते हैं उसमें होता है। ठीक है, वो हम एग्जाम टाइम ऑफ व्यू से जब हम हमारा ऑप्शन देखेंगे तब हमें वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक चार्ट है जिसमें आपको दिख रहा है ये कौन सा है, गैलियम इंडियम नाइट्रोजन। ठीक, ये कौन, ये जो सब्सटेंस है, ये इस एलईडी, इस कलर के एलईडी में कौन कौन सा यूज होता है वो है। ठीक है, उसी तरह जब हम ब्लू की बात करें तो सिलिकॉन और कार्बन, अल्मोनियम गैलियम और फॉस्फोरस, गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फोरस। ठीक, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस। तो इसी तरह हमारा ये मटेरियल यूज हुआ है इन सबको बनाने में, कौन से कलर में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है ये हमारा दिखा रहा है। ठीक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है भी और नहीं भी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये वाले तो एकदम सेम है, ग्रीन येलो वाले ये सेम ही है, जो थोड़ा डिफरेंस है वो वाइट ब्लू में है। ठीक है, मेन क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 20 मिलियम, यानी एलईडी ग्लो करने के लिए हमें 20 मिलियम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसी पे हमारी एलईडी ग्लो करती है। ठीक है, अब वोल्टेज लिखा हुआ है, यानी कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। फॉरवर्ड वोल्टेज, कितना वोल्टेज देंगे हम कि ये चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो ये वाइट के लिए हमारा 4 वोल्ट है, ब्लू के लिए हमारा 3.6 वोल्ट है और ग्रीन के लिए हम कलर वाइज लाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, व्हाइट ब्लू ग्रीन, ग्रीन के लिए 3.5 वोल्ट, येलो के लिए 2.2 वोल्ट और हमारा येलो अम्बर कलर जिसको कहते हैं हम, जो मिक्सचर होता है, 2.0 वोल्ट और रेड के लिए 1.8 वोल्ट और हमारा इंफ्रारेड के लिए, इंफ्रारेड कोई कलर नहीं होता इसलिए इंफ्रारेड का ऐसे रखा। ठीक, इंफ्रारेड के लिए 1.2 वोल्ट। अब ये वेवलेंथ बैंड है, आप सभी को वेवलेंथ बैंड भी हमने चार्ट में समझाया था पिछली क्लास में कि कितने कौन से कलर का कौन सा वेवलेंथ बैंड होता है, मेन हमें ये देखना था। ठीक, इसकी वोल्टेज कितनी होगी। अब ये वाली जो है, ये देखो फॉरवर्ड वोल्टेज डायरेक्ट कलर के साथ लिख दिया है, रेड का हमारा लिखा हुआ है 1.8, ठीक है, येल्लो का हमारा लिखा है 2.1। अब 2.1 बोलो या 2.2 बोल लो, दोनों ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ग्रीन का लिखा हमारा 2.2, अब यहाँ पे ग्रीन में 3.5 है, आप यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, अगर ऑप्शन में हमें 3.5 दिख रहा है 2.5 लगाएंगे, 2.2 दिख रहा, दोनों एक साथ नहीं दिया होगा। ब्लू के लिए हमारा 3.2, ठीक है, 3.2 और 3.6 आसपास ही है और वाइट के लिए 3.2, वाइट के लिए 4 लिखा हुआ है, ज्यादा आसपास नहीं है, 0.8 का फर्क भी है, बट हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। आपके सामने एक ग्राफ भी है, ये एलईडी का वीआई कैरेक्टरिस्टिक
दिखा रहा है कि जो कलर है हर एलईडी के फॉरवर्ड कलर और साथ में हमारा उसका एम्पियर क्या है। तो एलईडी टाइप के कलर के लिए हम एक ग्राफ भी ले आए हैं कि अगर ये इंफ्रा रेड है तो इंफ्रा रेड के लिए हमारा 20 मिली एम चाहिए और साथ में हमारा इसकी वोल्टेज हमारी 1 से कम होगी, इसकी देखो 1 से ज्यादा है रेड की, एम्बर की भी। तो इस तरह से आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, बट ये ज्यादा प्रेफर मैटर है आपको समझने के लिए। होप ये समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें पता चल गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अच्छे से। विच आई सी इज यूज टू कन्वर्ट 4 बिट बाइनरी डिकोडेड डेसिमल इनटू 8 बिट 7 सेगमेंट डेसिमल। पूछ रहा है 4 बिट का बाइनरी कोडेड डेसिमल है, ठीक है, दशमलव को 8 बिट 7 खंड डेटा में बदलने के लिए किस आईसी का उपयोग किया गया था। हमने पिछली क्लासेस में ये भी डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि जो 7 सेगमेंट होती है उसकी आईसी कौन सी है, 7448, ठीक है, 7448 हमारी 7 सेगमेंट आईसी होती है, तो यही कार्य करेगी। ठीक है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है 4 बिट बाइनरी डेसिमल इनटू 8 बिट। इसका कहने का मतलब है कि ये 4 बिट दिया और हमारा 8 बिट आउटपुट दे रहा है, तो हमें पता है 7 सेगमेंट में आउटपुट कितने निकले रहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और लास्ट में सीपी रहता है ना। तो ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले की आईसी है 7448। अब आईसी की बात आई है तो चलिए सारी आईसी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और हमने इसको याद भी किया था किस टाइप से, कि ये हमारा कैसे याद हमने किया था पिछली बार। 7400 हमने बताया था कि ये बहुत ही सिंपल है, 7400 आईसी नैंड गेट की याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने बताया 7402 लिखा हुआ है, एक तो 7432 होगा, 32 होगा तो उसमें जो 2 बन रहा है, ये जो 32 का 2 बन रहा है इसको ऐसे कर दो तो ये और दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, आर पकड़ लो इधर को, 2 को ऐसे कर दो तो ये और गेट की आईसी हो जाएगी। अब लेकिन 7400 की सीरीज चल रही है तो 7400 और 7402, 02 में इस 2 में हम ऐसे कर देंगे तो ये नॉर हो जाएगा, ठीक है, एन ओ आर नॉर, ठीक है। ये यूनिवर्सल आईसी होती है, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, ये यूनिवर्सल गेट की आईसी होती है, ठीक है, हमने याद करने का तरीका भी बताया था। 7404 का कैसे याद करना है, तो यहाँ पे एक लाइन भेज दो, ये तो टी बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम नॉट गेट की आईसी याद कर लेंगे, और एंड गेट की आईसी कैसे याद करेंगे, जैसे ये 8 है तो 8 में कुछ इस तरह से है तो ये वाली लाइन हटा दो तो ये कैसा हो जाएगा, 8 समथिंग बन जाएगा और ये 8 को डी में बदल जाएगा, ठीक। तो हाँ, तो ये नैंड गेट की आईसी है, कुछ इस तरह से याद कर लेते हैं हम इसको कि 7408 एंड गेट की आईसी है, ऐसे समझ। 7486 ये याद ही हो जाएगा आपको क्योंकि ये सबसे अलग देखने में लग रहा है, 86 ये एक्सोर गेट की आईसी है, 747266 एक्सनोर गेट की आईसी है, इसको अक्सर नहीं पूछता है और कहीं भी पूछेगा तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये अलग ही दिख रहा है। इसके साथ साथ हमारी फिजिक्स क्लासेस में और यहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं इन सब आईसी को भी। 7448 अभी हमने बताया, डेसिमल टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले आईसी को हम 7448 आईसी कहते हैं, अब तक तो ये याद हो गया होगा। 7106 और 7107 कहीं आपसे पूछेगा तो वो हमारी मक्स की आईसी होगी, ओके, और 74139 कहीं होगा तो वो हमारी डीमक्स की आईसी होगी, 224 लाइन, ठीक है, 2:4 कह लो या 224 लाइन कह लो, ठीक है। 74138 आईसी हमारी होती है डिकोडर की, जो कि 1:8 डिकोडर की आईसी होगी, ठीक है। और हमने कुछ ऑप्शंस में ये आईसी भी देखी थी, इसको भी देख लेते हैं, 2576 आईसी है, ये अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑप्शन में था इसलिए हमें समझाना था, ठीक है। 7 2576 लीनियर रेगुलेटर आईसी होती है, और 7621 जहाँ हो वो डीसी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी आईसी डिस्कस कर ली, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि ये कौन सा आईसी पूछ रहा है। 7 सेगमेंट, देखो डरना नहीं बिल्कुल भी, जहां भी हमें दिख रहा है 7 सेगमेंट की बात कर रहा है तो आईसी हमारी 7448 होगी, जहां डिकोडर डिमक्स वैसी आईसी पूछेगा तो हमने उस हिसाब से भी आपको
बता दिया था, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, विच मोड इज सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन टू इनेबल द रीड राइट पिन ऑफ द एलसीडी मॉड्यूल कैप्ट एट हाई लेवल। अब बोला है उच्च स्तर पर रखे गए एलसीडी मॉड्यूल के रीड राइट पिन को सक्षम करने के लिए यानी इनेबल करने के लिए किस मोड को ऑपरेशन के लिए चुना जाता है। अब सीधा सीधा ये बोला है कि रीड राइट ऑपरेशन है, ठीक, रीड राइट ऑपरेशन है जिसमें रीड को हमें हाई लेवल देना है, सॉरी उच्च स्तर पर रखे गए एलसीडी हाई लेवल पे ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा वाला रीड या राइट कौन सा वाला इनेबल हो जाएगा यानी कौन सा वाला काम में आ जाएगा। तो हमें याद रखना है कि अगर जब भी लेवल हाई या वन हो जाए तो ये हमारा रीड को इनेबल करता है। इसमें एलसीडी की बात हो रही है, माइक्रो कंट्रोलर नहीं याद करना है यहाँ पे, ठीक है, एलसीडी की बात हो रही है। तो अगर जब लेवल हमारा लो हो जाए या कह लो जीरो हो जाए तो हमारा किसको ऑपरेट करना होता है, राइट को, ठीक है, रीड और राइट। तो कुछ इस तरह से हमारा ये एलसीडी वाला कार्य करता है। विच मोड इज सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन टू इनेबल द रीड राइट पिन ऑफ एलसीडी मॉड्यूल कैप्ट एट हाई लेवल। हमने पूछा, इसमें पूछा है कि हाई लेवल पे रखा गया है तो बताओ कौन सा वाला हमारा मॉड्यूल ऑपरेट होगा। तो हमने अभी देखा कि लेवल हाई यानी वन रहेगा तो हमारा रीड ऑपरेट होगा, और लेवल जीरो होगा या लेवल लो होगा तो हमारा राइट ऑपरेट होगा। तो इस हिसाब से हाई लेवल बोला है, हाई लेवल तो हमारा कौन सा ऑपरेट होगा, रीड मोड। कौन सा मोड, रीड मोड, ठीक है। तो 53 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 54 को देखते हैं, विच कनेक्शन मेक द इंडिविजुअल सेगमेंट इन ए कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले इल्यूमिनेटेड, ठीक, कौन सा कनेक्शन व्यक्तिगत खंड के को एक सामान्य एनोड यानी कॉमन एनोड टाइप 7 खंड प्रदर्शन में प्रकाशित किया जाता है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि कॉमन एनोड देखते ही आपको इसमें से कुछ ऐसे नहीं लगा देना। अभी तो चलो मान लो यहाँ पे ये अलग सा दिया हुआ है, बाकी सब ऐसे दिया हुआ है। तो इसके लिए पहले एक चीज समझते हैं, हमने पहले भी समझा था इसको, एक बार और दूसरे तरीके से क्वेश्चन आया है तो हमें भी दूसरे तरीके से समझना होगा। चलिए, कॉमन एनोड हमने बताया था कि सभी एनोड को लेकर के कॉमन कर दिया और उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन एनोड डिस्प्ले। क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन एनोड डिस्प्ले। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सभी एनोड को कनेक्ट कर दिया गया है तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन एनोड। और इसी का जस्ट अपोजिट पूछेगा, अगर सभी कैथोड को कनेक्ट कर दिया गया है तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन कैथोड। ये तरीका बताया था हमने पिछली बार, और एक और तरीका पूछ सकता है कि सभी कैथोड को खाली छोड़ दें तो कौन सा होता है। अब देखो कैथोड खाली छूट रहा है यानी एनोड कनेक्ट हुआ है तो कितना हो जाएगा, कॉमन एनोड, ठीक। बहुत प्यारी चीज है, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक, घबराना नहीं है इस वाले में। अब इसको देखो कि और किस तरह से हमसे पूछा था क्वेश्चन, हमने तो बता लिया था कि सभी कैथोड बोला सभी एनोड को खाली छोड़ दें, ठीक, सभी कैथोड को खाली छोड़ देंगे तो वो कॉमन एनोड हो जाएगा, और सभी कैथोड को खाली छोड़ देंगे तो वो कॉमन कैथोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिगर से समझते हैं एक बार कि सभी कैथोड छूटे हुए हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है सभी कैथोड छूटे हुए हैं, कनेक्शन नहीं दिया गया है, फ्री है हमारा, तो ये कौन सा हुआ, कॉमन एनोड। और इस तरह से भी पूछ सकता है कि सभी एनोड को कनेक्ट किया गया है और सप्लाई दी गई तो ये कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा कॉमन एनोड, ठीक है। और
ये वाला देखिए, अगर आपसे पूछेगा कॉमन कैथोड डिस्प्ले की बात करेंगे तो पूछेगा कॉमन कैथोड में बोलेगा सभी एनोड सॉरी सभी कैथोड को कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया गया है तो ये कॉमन कैथोड। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सभी एनोड को फ्री छोड़ दिया गया है तो वो हमारा कॉमन कैथोड होगा। ये चार तरीके तो हमने पढ़ रखे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ और बताना चाह रहे हैं आपको, जो कि क्वेश्चन में पूछा है किस तरह का, बोल रहा है विच कनेक्शन मेक्स द इंडिविजुअल सेगमेंट इन अ कॉमन एनोड। कॉमन एनोड में जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो छोड़ा गया है उसकी बात कर रहा है। विच कनेक्शन मेक द इंडिविजुअल सेगमेंट इन अ कॉमन एनोड। कॉमन एनोड है, ठीक है, तो छोड़ा कौन सा गया होगा, कॉमन मतलब कैथोड छोड़े गए होंगे। अब बोल रहा है टाइप सेगमेंट सेगमेंट डिस्प्ले इल्यूमिनेशन, तो जो छोड़ा गया है उसमें कौन सा कनेक्शन है, जो कनेक्शन छोड़ा गया है उसमें कौन सा कनेक्शन है। ध्यान समझिए फिर से, जैसे ये है हमारा, इसमें कह रहा है कि कॉमन एनोड दिया गया है आपको, हाँ कॉमन एनोड जो छोड़ा गया है उसको कौन सा लॉजिक दिया जाएगा, तो कौन सा लॉजिक दिया जाएगा हमारा, लॉजिक जीरो, ठीक, लॉजिक जीरो से हम इसको कनेक्ट करें, इसको वोल्टेज देंगे इसको लॉजिक जीरो से कनेक्ट करेंगे तभी ना ये ऑपरेट होगा, ठीक है। तो हो ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो कनेक्ट टू लॉजिक जीरो, किसको जीरो करना है लॉजिक में, हमें सिंपल सी बात है, बोला है कनेक्शन बताना है, ठीक है, और कॉमन एनोड कर दिया है, तो कॉमन एनोड कर दिया है, उसके बाद फ्री छोड़ा है, फ्री छोड़ने के बाद हमारा उसको किससे कनेक्ट करेंगे, लॉजिक जीरो से, ठीक। होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 54, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मीटर मेजर्स ऑल इनपुट वोल्टेजेस स्केल डाउन इन डिस्क्रीट स्टेप टू मैच द फुल काउंट रेंज। पहली चीज हमने आपको बताई थी कि डीपीएम जो सर्किट होता है उसमें हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज होता है। अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारा डिस्क्रीट मतलब अलग 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 हमारा मेजर कर रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में। अब देखिए इस तरह समझते, पूर्ण गणना सीमा से मेल खाने के लिए कौन सा मीटर सभी इनपुट वोल्टेज को घटते चरणों में मापता है, कौन सा मीटर सभी इनपुट वोल्टेज को घटते चरणों में मापता है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं स्केलिंग ऑफ डीपीएम, स्केलिंग कैसे की जाती है, तो उसमें हम यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज करते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई हमारी कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हम यूज करते हैं किसमें, स्केलिंग ऑफ डीपीएम में। नेक्स्ट हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, चीजें याद करने का सबसे आसान तरीका होता है ऐसे एरो बना के, ब्लॉक डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉक डायग्राम का ही होता है पूरा, ठीक। डीपीएम क्या करता है, मेजर करता है, चलिए मैं मान लिया कि डीपीएम मेजर करता है। अब मेजर क्या करता है, वोल्टेज, ओके वोल्टेज मेजर करता है, कैसे मेजर करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में, पार्टीशन फॉर्म में ये मेजर करता है। जो सारे इनपुट स्केल्ड होते हैं उसमें कैसे होते हैं, फुल काउंट रेंज ऑफ मीटर, मीटर के फुल काउंट रेंज के अकॉर्डिंग स्केल किए जाते हैं। स्केलिंग कैसे होती है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से होती है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहाँ यूज होता है हमारा, डीपीएम में, ठीक। ये तीनों हम चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है आपका कि विच मीटर, कौन सा मीटर मेजर कर रहा है सारे इनपुट को, हमारे सारे के सारे इनपुट को हमारा कौन सा मेजर कर रहा है, डिस्क्रीट स्टेप मैच फुल काउंट रेंज में, तो हमारा डिजिटल पैनल मीटर, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिजिटल पैनल मीटर, ठीक। होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा 56 क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी आउटपुट लाइंस आर अवेलेबल इन BCD27 सेगमेंट डिकोडर आईसी। देखो ये बहुत सरल सा सवाल है, पूछ रहा है आउटपुट लाइन के बारे में, पूछ रहा है बीसीडी से 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी में कितने आउटपुट लाइन होती है। अब 7 सेगमेंट की बात हो रही है तो आप सभी को पता है कि 7 सेगमेंट में 8 आउटपुट लाइनें होती हैं, ठीक है। यह फिगर दिख रहा है आपको, ये किसके कहां जा रही है हमारी,
सेवन सेगमेंट में जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां एलईडी, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। तो आउटपुट लाइनें हमारी कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 आउटपुट लाइंस होते हैं किसमें, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कॉज द चेंज इन लाइट एंगल पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये किसका फुल फॉर्म है, एलसीडी का। आप ये बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे क्योंकि हर जगह एलसीडी यूज हो रही है, चाहे वो डिस्प्ले में हो, चाहे आपके मोबाइल में हो, चाहे आपके वॉच में हो। तो इस तरह से एलसीडी बहुत ज्यादा फैल रहा है। एलईडी पहले यूज होता था, बट एलईडी में कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसको हम इम्प्रूव करके एलसीडी लाए। अब जब एलसीडी की बात हो रही है तो ऑप्शन देखने से पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ एलसीडी होते क्या हैं और इसको धीरे धीरे करके सारा समझते हैं। तो पहला मैंने लिखा है बैक लाइट। अब देखो, किसी भी इमेज को, किसी भी चित्र को जब प्रदर्शित करना होता है, अगर अपनी आंखों की बात करें तो हमारी आंखें भी इमेज कैसे बनाती है, लाइट जाती है, टकराती है, वापस आती है उसी इमेज पे, तो वो हमें चीजें दिखती हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो हमें क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वहां लाइट अब्सेंस है, और लाइट अब्सेंस है तो गई नहीं अंदर और फिर टकरा के बाहर नहीं आई, तो वो इमेज नहीं बनाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे बैकलाइट का काम होता है, जिसको हम मिरर भी कह सकते हैं। तो बैकलाइट क्या कर रहा है, हमारा जो लाइट भेजी जा रही है उसको टकरा के वापस भेज रहा है, समझ लो वहां से लाइट हमारा निकल रहा है, एक तरह से समझ लो। ठीक, इतना आपको समझ में आएगा। देखो दो तरीके से लिखा हुआ, दो टाइप्स कि एक सीएफएल होता है जिससे आप सभी वाकिफ है, और सीएफएल को आप सभी जानते हैं। ठीक है, सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लो क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सीएफएल यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप, और सीसीएफएल जो कि कहाँ यूज होता है, एलसीडी वाले में यूज होता है। पहले यूज होता था, बहुत छोटा सेगमेंट अगर होगा एलसीडी का तो वहां पे सीएफएल ले सकते हैं, बट मोस्ट ब्रॉड एरिया में या फिर समझ लो अब पूरा सीसीएफएल यूज होता है। कैसे, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोल्ड कैथोड फ्लोरेंस लैंप। क्या है फुल फॉर्म हमारा, कोल्ड कैथोड फ्लोरेंस लैंप। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आते हैं इस फिगर पे। फिगर के साथ जो पार्ट है वो धीरे धीरे समझते रहेंगे तो हमें एलसीडी के बारे में जानकारी हो जाएगी, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, और साथ में हमारा क्या होता है एलसीडी, कैसे कार्य करता है, इस क्वेश्चन के थ्रू में पता चल जाएगा। पहला हमने लिखा मिरर, जिसको हम क्या कह रहे थे, बैकलाइट। ठीक है, बैकलाइट कहा हमने, जहां से हमारी लाइट रेज होगी रिवर्स। ये मिरर है हमारा निकली, इतना समझ में आया। यहाँ पे आगे धीरे धीरे चलेंगे हम। अब हम दूसरे पे आते हैं, पोलराइजर फिल्टर। अब पोलराइजर फिल्टर है तो यहाँ पे ध्रुवीकरण, कांच की, किसकी, ग्लास की, ग्लास की पोलराइज फिल्टर पारदर्शी फिल्म होती है। फिल्टर लिखा हुआ है इसलिए हिंदी में लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। कांच की ध्रुवीकृत पारदर्शी फिल्म होती है। अभी दो तरह की होती है, पहला होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजेंटल, जिसको ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल कहते हैं। ठीक है, जो लेन में होती है और ये इस तरह से होती है। इतना समझ में आया। अभी करते क्या है, जैसे मैंने बताया बैकलाइट क्या करता है कि बैकलाइट का काम होता है वापस से रिफ्लेक्ट करना, ताकि जो इमेज बननी है वो दिखे। कैसे दिखेगी, जब लाइट पड़ करके वापस आएगी तब तो दिखेगी, तो वो काम हमारा बैकलाइट या मिरर का हो गया। दूसरा लिखा है पोलराइजर फिल्टर, इसका काम क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला क्या करता है, वर्टिकल लाइट को जाने देता है, बाकी सबको रोक के रखता है, क्योंकि उसमें सेक्शन बने होंगे जो वर्टिकल को जाने देते होंगे और बाकी सबको रोक के रखते होंगे। हॉरिजॉन्टल वाला क्या करता है हमारा, हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल लाइट को जाने देता है और बाकी को रोक के रखता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं है अच्छा, लेकिन जो बोल रहे हैं उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, वापस अपने इस पे आते हैं। अब ग्लास फिल्टर लिखा हुआ है, जिसको हम बोल रहे थे पोलराइज फिल्टर, तो यहाँ ग्लास फिल्टर लिखा हुआ है। ओके, ये समझ में आया आपको। अब ग्लास फिल्टर की बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ वर्टिकल वाला है,
कौन सा वाला है? वर्टिकल वाला। अब वर्टिकल वाला क्या कर रहा है? वर्टिकल लाइट्स बाहर जाने दे रहा है, वर्टिकल लाइट्स बाहर जाने दे रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी लगा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दोनों लगे हुए हैं। अब इसके बारे में समझेंगे, बट अभी आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट लिखा है मैंने लिक्विड क्रिस्टल लेयर या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाला लेयर। अभी क्या तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के यूज होते हैं हमारे, न्यूमेटिक, सिमेटिक और क्लोरेटिक। बट हम अपने एलसीडी में कौन से वाले यूज करते हैं? न्यूमेटिक वाले। न्यूमेटिक वाले करते क्या है हमारे, ये देखो, ये हमारा, इसको ट्विस्टेड न्यूमेटिक एलसीडी भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि जो भी इस पे लाइट पड़ रही है उसको 90 डिग्री में ये ट्विस्ट कर देता है, ठीक है, 90 डिग्री में इस तरह से ट्विस्ट कर देता है। यानी कि कैसे समझो, अगर इसकी वर्टिकल लाइट आई इस पे तो ये 90 डिग्री ट्विस्ट करके हॉरिजेंटल बना देगा, और अगर हॉरिजेंटल लाइट इस पे आई तो ये 90 डिग्री ट्विस्ट करके वर्टिकल बना देगा। आया समझ? तो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इस फिगर पे, कि इस फिगर पे कहाँ है हमारा एलसीडी लेयर, लिक्विड क्रिस्टल लेयर। अब लिक्विड क्रिस्टल लेयर की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला बॉक्स, इसमें क्या कर रहा है हमारा, हमने क्या कहा इसका काम है ट्विस्टिंग का। देखो यहां से वर्टिकल लाइट निकल रही है, यहां पे आई, यहां पे आने के बाद ये देखो, ये वर्टिकल लाइन हमारी कैसे हो गई, ट्विस्ट होकर के हॉरिजेंटल बदल गई, ठीक है। हमने जान लिया कि ये ट्विस्ट होकर के हॉरिजेंटल में बदल गई। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लिखा है मैंने ग्लास कलर फिल्टर। अब ग्लास कलर फिल्टर का काम क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है? मेनली देखो, तीन कलर हमारी बेसिक तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनका काम क्या होता है, इनको मिक्स करके हम कई सारे, यानी जितने कलर चाहे उतने कलर बना सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीन कलर को मिला करके हम कोई भी कलर इन्वेंट कर सकते हैं, और यही कार्य होता है ग्लास फिल्टर का, ग्लास कलर फिल्टर का। ये कलर, जैसे मान लो कि इस पे वर्टिकल लाइट गई, ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, कलर बनाना। ऐसा मन, इसका काम क्या है, कलर बनाना। आइए अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्लास फिल्टर लगा हुआ है, ठीक, ये क्या करता है, इसके से जो भी लाइट निकलेगी, ठीक है, उस हिसाब से, उसकी वेवलेंथ के हिसाब से ये कलर इन्वेंट करेगा, ठीक है। आया समझ इतना। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स यूज हुए हैं, हाँ मैम यूज हुए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड्स हमारे यूज हुए हैं। अब देखिए ये क्या काम कर रहे हैं, कंट्रोल लाइट ट्विस्ट, लाइट की ट्विस्टिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। लाइट ट्विस्ट कब होगा, जब हम इस पे सप्लाई दे रहे हैं, करेंट दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करेंट द्वारा, इलेक्ट्रिक करेंट द्वारा हमारी क्या कंट्रोल हो रही है, लाइट कंट्रोल हो रही है। क्या आवश्यकता पड़ गई हमें लाइट कंट्रोल करने की, सिंपल सी बात है, लाइट कंट्रोल करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एलसीडी पे डिस्प्ले करना है और साथ में कलरफुल डिस्प्ले करना है, हमें अपना काम निकालना है। और एलसीडी की जो जितनी हमने अभी तक पढ़ी उसमें यही हो रहा है कि डिस्प्ले करने के लिए इतने प्रोसेस हो रहे हैं। अब आप कहोगे मैम इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो इसमें वो नहीं हो रहा, लेट नहीं हो रहा है, तो ये प्रोसेस इतने जल्दी होते हैं कि ये नॉर्मल विजुअल आई से नहीं देखे जा सकते हैं। आया है समझ में? तो ये कलर बना दिया। अब देखो इलेक्ट्रोड हम ढूंढते हैं, कहाँ है इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड। ये रहा हमारा निगेटिव, ये रहा हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हमने कहा कि अगर खाली पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते तो क्या ये हो पाता, नहीं, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा, तभी ना सर्किट कंप्लीट होगी। सर्किट कंप्लीट होगी तो यानी वोल्टेज जनरेट होगा, यानी करेंट जनरेट होगा। करेंट हमारा क्या कंट्रोल कर रहा है, लाइट को कंट्रोल कर रहा है। लाइट कंट्रोल करके हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले पे शो करा रहे हैं। तो ये हॉरिजेंटल वाला होगा, ये हॉरिजेंटल वाला है, पोलराइज फिल्म लिखा है ना यहाँ पे, देखो वर्टिकल वाला है, और ये देखो पोलराइज फिल्म कौन सा वाला है, वर्टिकल वाला है, ठीक है, सॉरी ये वर्टिकल वाला है और ये हॉरिजेंटल वाला है। अब लास्ट में देखो क्या है, ये डिस्प्ले, जो इमेज हमें डिस्प्ले करानी थी वो इमेज डिस्प्ले हो गई। ये तो नंबर लिखा हुआ है, ये एक सेगमेंट बताया गया ना, केवल एक सेगमेंट के बारे में। एलसीडी बड़ी होती है, ठीक है, यूजफुल होती है, तो उसमें हमारा ऐसे यूज होता है, ऐसे कार्य होता है। तो होप ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि व्हाट कॉज द चेंज इन लाइट एंगल। लाइट एंगल में चेंज हो रहा है पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल ऑफ एलसीडी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में जो मॉलिक्यूल है उससे अगर लाइट पास हो रही है तो लाइट क्रिस्टल, लाइट एंगल पासिंग थ्रू, लाइट एंगल जो ट्विस्ट हो रही है उस पर कौन कंट्रोल कर रहा है। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट हम के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जैसे जो अभी समझाया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, फिर भी नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, बट मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है ताकि सब चीज समझ में आ जाए। तो होप ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 57। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब देखो इसका आंसर तो मैक्सिमम को पता होगा, अगर मैं भी बताना चाहूँ तो यहाँ बता देता, बट इसके पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, जरूरी है और भी चीज़ें जाने ताकि एग्जाम में सिर्फ सिक्स से क्वेश्चन ना आए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो हम प्रिपेयर रहें। सबसे पहले आपको जानना है कि कॉन्स्टेंट वोल्टेज क्या होता है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, या फिर कॉन्स्टेंट वोल्टेज किस लिए है, या फिर ये कहाँ से आया। तो देखो सबसे पहले आज सभी को पता है घर में स्टेबलाइजर यूज होता है, ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइजर। उसका कार्य क्या होता है, वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज मतलब कांस्टेंट बनाए रखना। हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है, ठीक है, और हम कई सारी चीजें यूज कर रहे हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, ठीक है, पंखा, सब कुछ यूज कर रहे हैं, बट कभी भी लाइट में फ्लक्चुएशन होता है, आपके घर में भी होता होगा, तो उस फ्लक्चुएशन से हमारा जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो हमारी खराब ना हो, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को फिक्स करना चाहते हैं, यानी स्टेबल करना चाहते हैं कि भाई रुक जाओ, ठीक है, वरना हमारा डिवाइस ऊपर नीचे अगर फ्लक्चुएशन होगा तो खराब हो सकता है, ठीक। अब देखो नॉर्मल वोल्टेज कितना, 220 वोल्ट और 50 हर्ज हमारे घरों में आता है। अब देखो एक चीज और जान लो कि नॉर्मल टॉलरेंस कितना होता है किसी भी वोल्टेज में या फ्रिक्वेंसी में। तो हमारे घरों में जो 220 वोल्ट आती है इसमें टॉलरेंस हमारा 6% का टॉलरेंस हमारे डिवाइसेस बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये 50 हर्ज है अगर तो इसमें 3% का टॉलरेंस टॉलरेटेबल होता है, यानी कि हमारी डिवाइस या फिर हमारा जो भी यूज कर रहे हैं हम वो टॉलरेट कर सकता है और उसको बियर कर सकता है, बट इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई तो ये खराब हो जाएंगे डिवाइसेस। तो हम क्या आप चाहेंगे कि आपके डिवाइसेस खराब हो, नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस करके वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने वहां लिखा कि वेरिएशन 6% और 3% होता है, तो इनपुट वोल्टेज हमारा कहां से कहां वेरी कर सकता है, 216 से 244 वेरी कर सकता है, और इनपुट फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो 48.5 से हमारा 51.5 तक हर्ज तक वेरी कर सकता है और ये खराब नहीं होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब स्टेबलाइजेशन की बात हमने की, तो अब देखते हैं सीवीटी यानी कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। इसका काम यही होता है जो भी हमारे घरों में वोल्टेज आ रही है उसको कॉन्स्टेंटली बनाए रखना ताकि कोई भी खराबी, मतलब हमारी डिवाइस खराब ना हो। अब देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज हुआ है और एक हमारा इंडक्टर यूज हुआ है, इससे हमारा क्या होगा, ये दोनों आपस में जनरेट करेंगे ईएम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से हमारा हाई करंट जनरेट होगा। हाई करंट जनरेट होगा तो जो भी हम सप्लाई दे रहे हैं वो इसको कैंसिल आउट करेगा और हमारा जो आउटपुट में यानी सेकेंडरी है वहां पे स्टेबल वोल्टेज मिलती रहेगी और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबका कार्य वही है, बस डायग्राम हमारे अलग अलग होंगे, सर्किट हमारे अलग अलग होंगे। अब हमने साथ में लिखा है बक ऑपरेशन और साथ में लिखा है बूस्ट ऑपरेशन। अब ये क्या जरूरत पड़ गई हमें, कभी कभी होता है हमारे घरों में वोल्टेज लो आ रहा है, वोल्टेज लो आ रहा है हमारा, और कभी कभी होता है वोल्टेज हाई आ रहा है, ठीक है, तो जब लो वोल्टेज आए तो उसको अप करने का काम करता है, यानी कि स्टेबल करके 220 पे लाने का काम करता है, और जब वोल्टेज हाई होता है तब उसको लो करने का काम करता है। अब बूस्ट आप सभी ने पढ़ा है कि भाई पढ़ा है और सुना भी होगा नॉर्मल कि कंप्लेन क्या करता है बूस्ट,
बूस्टर करता है, एनर्जी बूस्ट करता है। तो बूस्टर का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है इसमें, आपको इतना जानना कि बूस्ट का मतलब हमारे वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ठीक है, और बक का मतलब होता है हमारे वोल्टेज को घटा रहा है, आया समझ। और इसका डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें बक बूस्ट में हमारा यू करके आया है यहाँ पे, ठीक, और हमारा बक में यानी जो वोल्टेज घटा रहा है वो कुछ कनेक्शन इस तरह से है, ठीक। आप इस तरह से भी बक को याद कर सकते हैं, जैसे आपसे कोई कुछ बोल रहा है, यूपी वाले अक्सर उसके आंसर में बक बोलते हैं, ठीक, इसका मतलब आप काट कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज घटा रहा है और बूस्ट हमारा वोल्टेज बूस्ट कर रहा है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमने लाया है यहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन विदाउट अप डाउन, ये हमारा नॉर्मल वाला है, ये मैनुअल वाला है, ठीक है, मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसे हमारे पुराने जमाने में आता था, सामने एक नोट होती थी, हम लोग उसको ऐसे करते थे, फिर टीवी में लगाते थे, टीवी में हम कभी आगे बढ़ाए कभी पीछे बढ़ाए, तो हम उसमें अपने अकॉर्डिंग स्विच करते थे, ठीक है, तो ये हमारा मैनुअल वाला है। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि ये बेसिक ऑटोमेटिक वाला है, ऑटोमेटिक वाले में अब देखो कट ऑफ खुद ही हो जाता है, जब ज्यादा वोल्टेज होता है तो वो खुद ही कम कर लेता है, कम होता है खुद ही ज्यादा कर लेता है, तो उसके बाद आ गया हमारा ऑटोमेटिक वाला। नेक्स्ट है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ये सर्वो मैकेनिज्म पे वर्क करता है। एक और चीज यहाँ पे, कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है हमारा, वो फेरो रेजोनेंस पे वर्क करता है, जो कि अभी हमने इसके बारे में समझाया, ठीक है, फेरो रेजोनेंस, मैकेनिज्म, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस बताया हमने आपको सीवीटी का, इसको हम क्या कहते हैं, फेरो रेजोनेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक, ये समझ में आ गया। सर्वो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है, ये भी हमारा ऑटोमेटिक की तरह होता है, इसमें देखो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट यूज होता है। अब इसमें अगर इसको समझाया जाए तो एसी इनपुट दिया, हमारा रिले में गया, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, ये वर्क करना स्टार्ट किया, और उसके बाद रिले अपने वर्क पे आया इस वाले ऑटो ट्रांसफार्मर पे, फिर ये इसको यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन होगा पिछले का, और रिले ड्राइव पर जाएगा, रिले ये वाला रिले जब ऑपरेट होगा तो इसको स्विच को यहाँ कर देगा और हमारा इस हिसाब से कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फिलहाल आपको इतना जानना है बस कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या, ऑटोमेटिक काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, सीवीटी का प्रोसेस बता दिया हमने, मैनुअल वाला बहुत पुराना था जो कि हम लोग अक्सर टीवी में यूज करते थे, जो स्विच खुद ही से हम लोग ऑपरेट करते थे, सर्वो मैकेनिज्म यूज होता है हमारा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। तो कितने टाइप हो गए, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सर्वो और सीवीटी, चार टाइप होते हैं हमारे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ठीक है, चार टाइप से हम वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फेरो रेजोनेंस हमारा हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा फेरो रेजोनेंस, जो कि तरीका है हमारा जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया अभी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच टाइप ऑफ सर्किट फंक्शन इज यूज्ड इन एसएमपीएस। अब इसमें पूछ रहा है कौन से टाइप का हमारा फंक्शन यूज हो रहा है एसएमपीएस में। अब ये एसएमपीएस का डायग्राम है, थोड़ा समझ लेते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने तो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा ही है और हमने स्टेबलाइजर यूज किया, बट घरों में हम स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं, एसएमपीएस ब्रॉड एरिया में यूज होता है, इसका मैकेनिज्म ऐसे है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका मतलब ही है कि स्विचिंग करता है ऑटोमेटिक, बहुत फास्ट होता है और ये अपना बियर कर सकता है। तो पहले थोड़ा सा हम एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन देख लेते हैं, और एक चीज और आपको सभी को पता होगी कि रेगुलेशन का काम क्या होता है, कौन करता है, जीनर डायोड किस लिए यूज होता है हमारा, रेगुलेशन के लिए यूज होता है, पूरे सर्किट यूज होती है बहुत ब्रॉड एरिया में, बट हम बता रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि रेगुलेट मतलब जीनर डायोड किस लिए यूज होता है, तो जीनर डायोड हमारा रेगुलेशन के लिए यूज होता है। अब देखिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि हमने आपको बताया एलसीडी कहाँ कहाँ यूज होता है, उसी तरह से हमारा एसएमपीएस कहाँ कहाँ यूज होता है। पर्सनल कंप्यूटर में जब लाइट चली जाती है तो हमारा बैकअप बनाने के लिए, कि ताकि कुछ देर तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहे, हम उस पर वर्क कर सके, एसएमपीएस यूज होती है। बैटरी चार्जर में हमारा एसएमपीएस यूज होता है। सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां से
बहुत सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं वहां पे तो लाइट नहीं जानी चाहिए क्योंकि सबको पावर दे रहा है, तो इसलिए वहां पे भी हमारा SMPS यूज होता है। व्हीकल्स में आजकल आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उसमें हमारा SMPS यूज करता है, लाइटिंग वगैरह में हमारा SMPS यूज होता है। अब एडवांटेज देख लेते हैं और साथ में डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एडवांटेज। हाई स्पीड स्मॉल साइज लाइट वेट, इसकी स्पीड SMPS की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है, और साइज इसका बहुत ही स्मॉल होता है इसलिए हम इसको बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइट वेट, इसका जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है, मतलब बहुत ही हल्का होता है। लो हीट डिसिपेशन, और क्या एडवांटेज है SMPS के, इसके जो हीट डिसिपेशन है, जो हीट निकालते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मर चलता है और बाकी चीजें यूज हो रही हैं, तो उसमें हीट भी, जैसे एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, जब ये वर्क करी तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगी, तो इसमें लो हीट डिसिपेशन होता है। हाई प्रिसीजन वोल्टेज रेगुलेशन, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का जो स्तर है बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, बहुत ही अच्छा, इसलिए हम SMPS यूज करते हैं। लो आउटपुट नॉइज रिपल, यानी आउटपुट नॉइज, जैसे अगर SMPS वर्क कर रहा है तो आउटपुट नॉइज भी देता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही लो आउटपुट नॉइज रिपल होगा। वाइड AC इनपुट वोल्टेज रेंज, यानी कि अगर इसमें मान लो फ्लक्चुएशन हुआ और बहुत ज्यादा AC इनपुट आ गया, जैसे कि हमने वेरिएशन बताया आपको नॉर्मल घरों के लिए, और लेकिन अगर इसमें वाइड एरिया टाइप में हो गया, 90 से लेकर के 270 वोल्ट भी चला गया, तो भी ये टॉलरेट कर लेता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं जो कि SMPS कहला रहा है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, कॉम्प्लेक्स सर्किट, इसका सर्किट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। नॉर्मल SMPS अगर आप बनाना चाहते हो तो आप PCB पे बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल में, बट अगर हम ब्रॉड एरिया की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है। सर्विंग और SMPS इज डिफिकल्ट, इसकी जो सर्विसिंग होती है, सेवा, मतलब जो भी इसको बनाने वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट लिखा है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है, इस वजह से हमारा जो SMPS है ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS क्या है और कैसे कार्य करता है। तो पहला तो होता है हमारा इनपुट फिल्टर सेक्शन, फिर रेक्टिफायर, पावर सेक्शन, आउटपुट सेक्शन और कंट्रोल सेक्शन। इनपुट फिल्टर सेक्शन, ये रहा हमारा इनपुट फिल्टर सेक्शन, ठीक है। ये हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर है तो पावर सेक्शन, ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। इस ये चार पांच पार्ट में बटे हुए हैं। तो इनपुट रेक्टिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है, उसके बाद हमारा फिल्ट्रेशन और रेक्टिफिकेशन, ये फर्स्ट, यहाँ पावर की बात हो रही है इस वाले सेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सेक्शन और आउटपुट सेक्शन, ठीक है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं आराम से। AC इनपुट सप्लाई दी गई, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, रेक्टिफिकेशन और फिल्टरिंग का काम हो रहा है, मतलब कि वो अनवांटेड सिग्नल को फिल्टर करेगा, साथ में रेक्टिफिकेशन का भी कार्य करेगा। रेक्टिफिकेशन आप सभी को पता है कि रेक्टिफायर क्या काम करता है, जो AC है उसको DC में कन्वर्ट करने का। तो यहां से आप देखेंगे सिग्नल कुछ इस तरह से हमारा आ गया। अब ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रेक्टिफाई कर देता है। हाई लेवल का मतलब इसके वोल्टेज होती है 300 वोल्ट, करीब 300 वोल्ट तक DC में बदल देता है। अब इतनी वोल्टेज DC को कंट्रोल करना बहुत हाई वो बात है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी स्विच लगाते हैं। देखो ये MOSFET है और ये हमारा फ्रिक्वेंसी स्विच है, क्या करता है ये फ्रिक्वेंसी को सही करता है और टॉलरेट करता है और इसको लो करता है, मतलब पावर ट्रांसफॉर्मर या पावर सेक्शन का काम क्या होता है। देखो यहां तक तो हमारा बिल्कुल पूरा डिजिटल में कन्वर्ट हुआ था, नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो है वो बिल्कुल देखो डिजिटल में कन्वर्ट हो गई, पूरी प्योर DC यहाँ पे हमारे कन्वर्ट हुई और इसकी वैल्यू को भी घटाया, ये हाई DC में कन्वर्ट कर दिया था, तो हाई DC से हम इसको लो या नॉर्मल DC में ले आए, ठीक। पावर सेक्शन में ये काम होता है। और आउटपुट रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टरिंग में क्या होता है, जब हमें आउटपुट जिस हिसाब से लेनी होती है उस हिसाब से ये फिल्टर और आउटपुट देता है और हमारा यहाँ पे DC आउटपुट मिल जाता है। अब ये फीडबैक सेक्शन है, ये जो यहाँ DC वोल्टेज दिया है इसको फीडबैक करेगा, ठीक। अब ये फीडबैकिंग का कार्य क्या है,
ये कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी इसमें एरर आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा है अच्छे से, या फिर इसकी जो टॉलरेंस है ये नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एरर डिटेक्शन के लिए कंट्रोल सर्किट लगाते हैं। और ये कंट्रोल सर्किट देखो वापस से यहाँ पे चला गया, जो कि क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, टोपोलॉजीज है किसकी, स्विच मोड पावर सप्लाई की, कि कौन कौन से टोपोलॉजी में यूज होता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी यानी कम डीसी को ज्यादा डीसी में, ज्यादा डीसी को कम डीसी में यूज करते हैं। अब आपको पता है एक चीज और, कि जो कॉन्स्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, डीसी चॉपर। क्या कहते हैं, डीसी चॉपर कहते हैं किसको, कांस्टेंट डीसी को हमारा वेरिएबल डीसी में बदलने को हम डीसी चॉपर कहते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर हमारा इसी तरह वर्क करता है जैसे हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर यूज करते हैं या कार्य करते हैं। लगभग सबका काम वही होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई है, तो कार्य तो स्विचिंग करने का ही होगा और सप्लाई को कंट्रोल करने का ही काम होगा, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का ही काम होगा। अब डीसी टू डीसी कन्वर्टर हमारा डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और एसी टू डीसी कन्वर्टर में बस क्या होता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बस इतना ही से डिफरेंस है। ठीक, फिगर आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो यहाँ भी रेक्टिफिकेशन फिल्टर हुआ है, यहाँ भी रेक्टिफिकेशन फिल्टर हुआ, ये पावर सेक्शन है और ये कंट्रोल सेक्शन, ये आउटपुट सेंसर के साथ हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर। फ्लाईबैक कन्वर्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, फ्लाईबैक कन्वर्टर में सिर्फ क्या स्विचिंग के लिए हमारा क्या यूज हो जाता है, मॉस्फेट यूज होता है। समझ में आया, फ्लाईबैक कन्वर्टर में हमारा स्विचिंग के लिए गेट पे पल्सेस देते हैं, उसके हिसाब से हम स्विचिंग करवाते हैं, स्विचिंग करवा के इसको कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करके हमारा ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है एसएमपीएस। ठीक है, अब फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एसएमपीएस क्या होते हैं, जैसे टाइप है चारों है ना, एक दो तीन चार, ठीक तीन समझ लिया हमने। फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप क्या होता है हमारा, ये बिल्कुल फ्लाईबैक की तरह ही कार्य करता है, बस इसमें स्विचिंग के लिए मॉस्फेट नहीं यूज करता, कंट्रोल सर्किट को यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे कंट्रोल सर्किट यूज हुआ है और इसके थ्रू हम स्विचिंग करा रहे हैं फटाफट जल्दी जल्दी, और हमें आउटपुट में स्विच होकर के वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर आपको पता है कि वोल्टेज को लो करता है। ठीक है, तो डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर किसको कहते हैं, इसको फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एसएमपीएस को। फ्लाईबैक मॉस्फेट यूज हुआ है, गेट यूज हुए हैं, मतलब गेट मॉस्फेट में होता है, पल्सेस देते हैं, इसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, और ये हमारा एसी को डीसी में बदल रहा है कन्वर्टर। इसी तरह से हमने सारे समझ लिए क्वेश्चन पे, अब हमने सारे समझ लिए हैं, तो अब इसके आगे देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो 59 पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ सर्किट फंक्शन इज यूज इन द एसएमपीएस। अब ये जो एसएमपीएस का जो ये सर्किट है वो किस टाइप का है, तो अभी हमने देखा कि किस टाइप का आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एसी टू डीसी कन्वर्टर एसएमपीएस। कौन सा वाला टाइप का है ये, एसी टू डीसी कन्वर्टर एसएमपीएस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड। ये जो ट्रांसफॉर्मर का जो ये फिगर दिया है वो किस मोड में कनेक्टेड है, तो किस मोड में कनेक्टेड है, हमने ये पढ़ा था कि ये जो इस टाइप का आया है ये हमारा बूस्ट ऑपरेशन करवा रहा है। कौन सा ऑपरेशन, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि बूस्ट ऑपरेशन करवा रहा है, बूस्ट यानी कि वोल्टेज को अप करने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड द 20 2480X कनेक्टर फ्रॉम द एसएमपीएस यूनिट। अब कह रहा है कि एक कनेक्टर है, ठीक है, एक कनेक्टर होता है, उसमें एसएमपीएस जो है कहाँ पे कनेक्ट होगा उस कनेक्टर में, तो सिंपल कंप्यूटर का कौन सा भाग, कौन सा कंप्यूटर का भाग हमारा एसएमपीएस की इकाई इतने के कनेक्टर द्वारा जुड़ा होगा, तो ये हमारा मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉट इज द नेम ऑफ फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एसएमपीएस। फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एसएमपीएस का नाम क्या है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि फॉरवर्ड कन्वर्टर को हम डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर भी कहते हैं, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर भी कहते हैं, और फॉरवर्ड कन्वर्टर को हम काम क्या था,
वही SMPS जो काम करता है वोल्टेज रेगुलेशन का, और साथ में हमारा देखा हमने कि कैसे यूज हुआ था, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट यूज करके यूज हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, अभी वो कंपोनेंट की बात कर रहा है, डिवाइस की नहीं बात कर रहा है, मेंटेन द कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन द पावर सप्लाई सेक्शन मार्क एक्स, इसकी बात पूछ रहा है। कौन सा विद्युत घटक विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखता है जो एक्स के रूप में चिन्हित है। अब देखो जीनर डायोड जो होता है हमारा वो वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज पे उसको दो जो कि बिल्कुल ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या करता है उसको रेगुलेट करके हमारा स्थिर बनाता है। तो ये क्या होगा हमारा जीनर डायोड, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, रियोस्टेट आपको पता है रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम, और ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफिकेशन या स्विचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जीनर डायोड हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज इनटू वेरिएबल डीसी इनपुट आउटपुट। हमने बताया कि जब फिक्स डीसी होता है उसको वेरिएबल डीसी में बदलने का कार्य किसका होता है, चॉपर का होता है। तो हम क्या लगाएंगे, डीसी चॉपर। तो इस हिसाब से 65 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डीसी चॉपर। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।